पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में हुआ विवाद आया सामने। जी हां दोस्तों, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की एशिया कप से बाहर होने पर आपस में भिड़ गए। असल में श्रीलंका से हार के बाद पाकिस्तान टीम जब ड्रेसिंग रूम में पहुंची तो बाबर आजम ने हार का टीका प्लेयर्स पर मारते हुए कहा कि आप सभी लोग रिस्पॉन्सिबली नहीं खेले जिस वजह से हम बाहर हो गए। इस पर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि कम से कम जिन बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया उनको तो शाबाशी मिलनी चाहिए। जिस पर बाबर बड़ा कुटे और शाहीन को चुप कराते हुए बोले कि तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना है। जिसके बाद मोहम्मद रिजवान ने बीच बचाव करते हुए दोनों खिलाड़ियों को लड़ने से रोका। इससे पहले मैदान पर भी बाबर आजम, रिजवान और शादाब खान में कुछ अनबन हुई थी। तो दोस्तों, आप इस लड़ाई में किसे सही मानते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं।